Hello, good morning children. Very warm welcome to all of you. In this video, we will learn so many things of chapter 2, acid, bases and salts. First of all, I would like to share how many types of oxides are. You are familiar with the term oxides. Oxide means when any element combined with oxygen, they form their respective oxides. वो element metal भी हो सकता है, non-metal भी हो सकता है. Metal and non-metals के बारे में आप 8th class में पढ़ चुके हैं. तो उनके basis पे हम जानेंगे कि जो ये oxides हैं, ये कितने types के होते हैं. उसके बाद में हम acids कैसे बनते हैं, bases कैसे बनते हैं and salts कैसे बनते हैं, उसके बारे में details में इस video में जानेंगे. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं. इन आवर केमिस्ट्री वी हैव फोर टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड फोर्थ वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. हियर आई हैव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड में आते हैं हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड वी हैव टू स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दीज आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. ओके, तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं. स्टूडेंट्स, न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपने ध्यान रख लेने हैं. हालांकि ये तीनों ही किससे बन रहे हैं, नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से. हाइड्रोजन को हम हमेशा ही फ्लाइंग एलिमेंट मानते हैं, ये मेटेलिक करेक्टर भी रखता है तो नॉन मेटेलिक भी. तो जो वाटर है हमारा, दैट इज ऑल्सो ए कंपाउंड, राइट, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रल ऑक्साइड. न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब ये होता है चिल्ड्रन कि ना तो उनमें एसिडिक नेचर होती है ना ही बेसिक होती है, दे आर क्वाइट न्यूट्रल. एसिडिक का मतलब जो ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होके अपने रेस्पेक्टिव एसिड्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कंसिडर एज ए एसिडिक ऑक्साइड. और वी कैन से द दोज ऑक्साइड्स विच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. हेयर we have carbon, sulfur, nitrogen, these are the non metals. And another example we can take phosphoric oxide P2O5, that is also an example of acidic oxide, right? And basic oxide, those oxides which are made by the reaction of metal with oxygen. So the example of basic oxides are, and they produce their respective base when they dissolve in water. Magnesium oxide, calcium oxide and potassium oxide. These are the amphoteric oxide because these oxide behave like, sometimes these are behave like acidic oxide and sometimes these are behave like a basic oxide. So we have two important example of amphoteric oxide. These are the aluminium oxide and zinc oxide. Is it clear? Okay. अब मैं आपको, अब ये दोनों को आप साइड में रखिए, पहले हम एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं कि ये आगे अपने रेस्पेक्टिव एसिड्स कैसे बनाते हैं. सी चिल्ड्रन, ये क्लियर हो गया आपको, ऑक्साइड का मतलब समझ में आ गया. रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कोर्स, दैट इज द सो फॉर्म कंपाउंड आर कॉल्ड ऑक्साइड. सो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी एसिडिक ऑक्साइड की बात करूंगी. एसिडिक ऑक्साइड किससे बनते हैं, नॉन मेटल. और नॉन मेटल कौन से होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप कर चुके हैं. क्या होते हैं नॉन मेटल्स, दे आर ब्रिटल इन नेचर, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, राइट. एंड ऑल नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड में क्या क्या आती है हमारे पास, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, दीज आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर.
और लिक्विड में ब्रोमीन आ गई, आयोडीन आ गई. गैसेस में नॉन मेटल कौन सी आ रही है? रूम टेम्परेचर पे जो हमारे सराउंडिंग में है एयर, उसमें कौन कौन है? नाइट्रोजन है 78%, दैट इज ए नॉन मेटल. ऑक्सीजन है 21%, दैट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल. तो नॉन मेटल के ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड. तो जो आपकी इस चैप्टर में और आगे केमिस्ट्री में मैक्सिमम यूज होते हैं वो है चिल्ड्रन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम कैसे कहेंगे कि इट इज एसिडिक इन नेचर? बिकॉज व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन इट फॉर्म इट्स रेस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड. देन इट फॉर्म इट्स रेस्पेक्टिव एसिड, नॉट ऑक्साइड. ऑक्साइड इज, इट इज ऑक्साइड. सो दिस इज अ न्यू कंपाउंड that is formed by the combination reaction between carbon dioxide and water and is called carbonic acid. What is the name of this acid? Carbonic acid. And second we can take example sulfur plus oxygen. Sulfur is a non-metal. When it joined with oxygen it forms sulfur dioxide. When this sulfur dioxide react with water, H2O ke mein dissolve hoti hai, then it form H2SO4, राइट? जनरली हम H2SO3 लिखते हैं लेकिन जब एक्सेस होती है तो H2SO4 बन जाता है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड. एंड थर्ड यू कैन टेक एग्जांपल N2+O2. N2 के दो एग्जांपल बनते हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो NO, दैट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. और जहां ये NO2 बनेगा इट इज ए एसिडिक ऑक्साइड. When this acidic oxide dissolve in water, it form its respective acid HNO3. This is the nitric acid. तो ये तीन एसिड आ गए हैं आपके पास. समझ लगी कैसे बनते हैं? ऐसे ही बेस बनते हैं. एक बेस आपने फर्स्ट चैप्टर में बनाया है वो, ये क्लियर है कंसेप्ट? ओके, हम आगे बढ़ते हैं. बेसिक ऑक्साइड कैसे बनेंगे ये आपने नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में. मेटल लीजिए, द मेटेलिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन. यू कैन टेक एग्जांपल Mg+O2. आपने बाकायदा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. व्हेन दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, ये भी आपने करके देखा है, डिसॉल्व भी किया था तो बन गया हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द बेस. अब क्यों है ये? आरएनएस जी ने आपको पहले ही बता दी है कि जो डिसोसिएट होके OH- आयन देते हैं वो बेस होते हैं और जो डिसोसिएट होके H+ आयन देते हैं वो एसिड. अभी मैं आगे लेके चलती हूँ, पहले आप देख लीजिए कि बने कैसे. दूसरी आप ले सकते हैं मेटल का एग्जांपल, यू कैन टेक एग्जांपल Na सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म Na2O. व्हेन दिस Na2O डिसॉल्व इन वाटर it will form NaOH, sodium hydroxide. And same इसका बनेगा किसके साथ? पोटेशियम कैल्शियम कोई सा भी आप इसमें बना सकते हैं. मैं लेती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड दैट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. नो डाउट एम्फोटेरिक तो है ये Al2O3, but when it dissolve in water it form aluminium hydroxide AlOH whole thrice, right? This is the amphoteric oxide, but when it dissolve in water it form its respective base, that is the aluminium hydroxide. Now I think the concept is clear. अब हम जानेंगे कि सारे एसिड्स में कॉमन क्या है तो सारे बेसिस में कॉमन क्या है. चलिए देखते हैं, ये पता लग गया, क्लियर हो गया आपको कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो अपने रेस्पेक्टिव जो ऑक्साइड बनाते हैं उनको हम मेटेलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं तो बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं. व्हेन दिस ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव बेस. ओके, अब देखिए अपने पास एसिड है क्या? HCl. लैब में जनरली ये, और अब मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे इनको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिए
RNASG के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, HCl है। मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये डिसोसिएट हो गया H प्लस एंड प्लस Cl माइनस में। अनदर एग्जांपल आई हैव नाइट्रिक एसिड, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू H प्लस आयन NO3 माइनस आयन। एंड द नेक्स्ट आई हैव H2SO4, H प्लस एंड SO4 माइनस 2, राइट। ये वैलेंस आप करते चले जाएंगे। एंड थर्ड जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास H2CO3, H प्लस प्लस CO3 माइनस 2 एंड H3PO4, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड। तो 3H प्लस एंड प्लस PO4 माइनस 3। सो चिल्ड्रन, इसमें आपने क्या देखा कि सारे डिसोसिएट होके एक कॉमन चीज, कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है कि ऑल आर प्रोड्यूस H प्लस आयन, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एसिड्स। ये RNASG ने दिखी डेफिनेशन, तो यहां पे हमारी डेफिनेशन क्लियर हो रही है, राइट। चलिए ऐसे ही आप बेसिस की देखेंगे। बेसिस आपने लिया NaOH, डिसोसिएट कीजिए, जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट इज ऑल्सो डिसोसिएट इट्स रेस्पेक्टिव आयन KOH, सेम थिंग विल बी हैपन विद KOH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस इज ऑल्सो डिजोल्व इन मैग्नीशियम प्लस 2 OH माइनस, 2H माइनस आ जाएगा इसमें। एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होल थ्राइस Al प्लस 3 एंड 3OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी ले लीजिए, दिस गे Ca प्लस 2 OH माइनस एंड कितने आए हैं OH के 2 एट। सो व्हाट इज द कॉमन इन ऑल बेसिस, दैट इज द OH माइनस आयन सी ओवर हियर, दैट्स व्हाई दीज ऑल कंपाउंड आर नोन एज बेसिस, राइट। अब यहां पे बात इतने मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बेसिस किन को कहेंगे, वो ऑर्गेनिक वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिसोसिएट होकर OH माइनस आयन देते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, या आयनिक कंपाउंड, एक ही बात है कि जो आयन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। व्हेन दीज आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट इन देयर रेस्पेक्टिव आयंस and they all have a common factor, that is the OH minus ion, that's why all these are known as bases. अब हम ये देखेंगे कि ये acid and bases कितने strong हैं या weak हैं, ये किसके ऊपर depend करता है। See children, आपको मैंने पिछले वीडियो में pH पेपर बताया था, ये universal indicator है हमारे पास pH स्केल, जो शुरू होता है 0 से और चलता कहां तक है 14 तक। 7 पे मैंने बताया था कि न्यूट्रल, तो जो हमारे ऑक्साइड आए थे न्यूट्रल कौन था, वाटर का ही, आप याद रख लीजिए, वाटर था, कार्बन मोनोऑक्साइड थी एंड ये नाइट्रस ऑक्साइड था, ये तीनों क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। और जिनका pH 0 से 7 के बीच में आता है, यानी 0.9 से लेके 6.9 तक, और जिनका pH वैल्यू होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, देखिए आपने जिस एसिड को डिसोसिएट किया और जिसमें मैक्सिमम H प्लस आयन बने, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम किधर कंसिडर होएगी, 0 की तरफ। तो सपोज कीजिए जिनकी का pH वैल्यू 0.9 आ रहा है, 1, 2, 3 तक जिनका आता है, वो ऑल क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोबारा इसको क्लियर कीजिए, दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट एंड फॉर्म मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन, या वी कैन से हाइड्रोनियम आयन, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्लियर होगी, जो एसिड्स डिसोसिएट होकर मैक्सिमम H प्लस आयन बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो डिसोसिएट तो हो रहे हैं लेकिन कम अमाउंट में H प्लस आयन फॉर्म करते हैं, दिस टाइप
के जो एसिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड. तो कितने टाइप के एसिड निकल के आए हमारे पास, टू टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. नाउ एग्जाम्पल लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड के, एसिड्स कहते हैं आपके जो सिलेबस में है उनको आपने हमेशा याद रखना है. सबसे पहले हमारे पास आता है HCl, H2SO4 एंड थर्ड नंबर पे है HNO3. ऑल दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड वीक एसिड, वीक एसिड में लीजिए जो आपने याद रखना है कार्बोनिक एसिड H2CO3 और CH3COOH एसिटिक एसिड. थर्ड आता है हमारे पास H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ऑल दीज थ्री आर द स्ट्रॉन्ग एसिड. रीजन इज दैट व्हेन दीज एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म मैक्सिमम H+ आयन. व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड, बिकॉज दे डिसोसिएट इन वाटर, नो डाउट, बट द अमाउंट ऑफ H+ आयन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दीज एसिड्स. दैट्स व्हाई दीज थ्री आर कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड. टाइप क्लियर हो गया, टू टाइप के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड के तीन एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको, वीक एसिड के दे दिए हैं. अब जो यहाँ पे आ रही थी, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम इसमें चलते मूव करते हैं सेवन की तरफ आए, न्यूट्रल हो गया है ये पीएच वैल्यू, इसकी मेजरमेंट चलेगी सेवन से ऊपर आते ही. सेवन पे क्या है, न्यूट्रल है. सेवन के आगे आते ही यहाँ पे भी दोनों आयन प्रेजेंट है वाटर के अंदर, दोनों बन रहे हैं. किसी भी एसिड को आप डिसोसिएट कर रहे हो तो H+ आयन भी बन रहा है, OH- आयन भी बन रहा है, बट यहाँ पे लीस्ट अमाउंट है. और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ये OH आयन माइनस इधर की तरफ, ये वाली एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है और ये H+ आयन को रिप्रेजेंट कर रही है. इस चीज को ध्यान रखना, इट मीन्स दोनों प्रेजेंट है बट इनकी नंबरिंग बहुत कम है और इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वो अपना बिहेवियर शो करते हैं. जैसे जैसे हम राइट साइड में मूव करते हैं धीरे धीरे OH- आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, H+ की डिक्रीज होती है. 14 पे आके वो बिल्कुल खत्म हो गए है, पर बहुत कम एक आधा आयन मिलेगा और ये इधर OH- आयन की जो डेंसिटी है, इनकी जो कंसेंट्रेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी. तो 7 के ऊपर आगे आते ही जिनका पीएच वैल्यू 7.1 है तो नेचर कैसी होनी शुरू हो जाएगी उसकी, बेसिक, राइट. और धीरे धीरे यहां तक चले हम 13.9 तक, 14 भी आ गया है, 14 तक, 7.1 से लेके 14 तक सब की नेचर कैसी होगी चिल्ड्रन, बेसिक. अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन होएगा, जिसकी वैल्यू 14 के आसपास, 14 के पास आ रही है, राइट. अब जो 7 के आसपास आ रही है वो वीक बेस होगा. अब लीजिए इनके एग्जाम्पल लेते हैं हम. बेस भी ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस में आपने एग्जाम्पल याद रखे हैं KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ये तीनों आप अच्छे से इनको याद रख लीजिए. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी हम स्ट्रॉन्ग में ही लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट. अब वीक बेस में आपके पास क्या आ रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अगर तो ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये हमें कोई भी एडवाइस नहीं देता कि एसिडिटी के टाइम हमें इसको लेना चाहिए. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट नंबर पे आपके पास आ रहा है वीक बेस, एंड सेकेंड आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. बस ये दो आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में नहीं होगा, अमोनियम NH4OH. तो ये दो इनके एग्जाम्पल आ गए हैं. यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस एग्जाम्पल इसके आपको चार दे दिए हैं, इसके दो ही हैं आपके सिलेबस में, बस यही आपने याद रखना है. क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनमें H+, यहां पे हम बेस की बात कर रहे हैं, OH- आयन मैक्सिमम बनते हैं ज्यादा अमाउंट में और इनमें ये डिसोसिएट हो रहे हैं लेकिन कम अमाउंट में, 100% डिसोसिएशन इनमें नहीं होते. आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं
आपको ये पता लग गया एसिड्स कैसे बनते हैं, बेस कैसे बनते हैं, तो अब ये भी पता लगना चाहिए कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। फिर हम एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। सो चिल्ड्रन, सॉल्ट बनते कैसे हैं? जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो बनते हैं सॉल्ट। अब सबसे सिंपल हम एसिड HCl लेते हैं और बेस लिया हमने NaOH, ये डिसोसिएट हुआ किसमें? H प्लस और Cl माइनस में। ये डिसोसिएट किसमें हुआ? Na प्लस OH माइनस। अब जो ये OH माइनस है ये इसके ये जो OH माइनस है ये इस H प्लस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा और ये जो Na है ये इसके साथ बनाएगा। तो डेफिनेशन से यहां बात आपको क्लियर निकल के आनी चाहिए कि सॉल्ट जिसमें पॉजिटिव चार्ज्ड आयन आता है बेस से और नेगेटिव चार्ज्ड आयन आता है एसिड से, ये क्लियर हो गया। और साथ में बन गया है वाटर। तो सॉल्ट्स कैसे बनेंगे? बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि बेस ही हो हमेशा। अब आगे हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे वहां पे मैं बताऊंगी कि सॉल्ट्स और किस किस तरीके से बनते हैं। मोटी बात आपने जो डेफिनेशन में की है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने ये बता दिया है। जब एसिड डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूर का ले लिया, किस कोई सा भी ले लीजिए, वो ऐसे ही डिसोसिएट होंगे। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होगी होगी कि सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो आता है बेस से, नेगेटिव चार्ज आयन आता है एसिड से। क्लियर? ओके। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहले मैं एसिड्स की बताऊंगी फिर मैं बेसिस की बताऊंगी। अगर हम इकट्ठी चलते हैं, बुक में हमारे साथ दिए हुए हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो एसिड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। एक एसिड लिया आपने HCl लिया और मेटल आपने जिंक ले ली, बन क्या गया चिल्ड्रन? ZnCl2 प्लस H2। आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, मेटल दूसरी ले लीजिए, एसिड दूसरा ले लीजिए। एसिड हम क्या लें? H2SO4 प्लस मेटल ले लीजिए मैग्नीशियम, एंड बन क्या गया? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। अब और एग्जांपल लेना चाहेंगे ले लीजिए। एसिड तीसरा हमारे पास नाइट्रिक एसिड है NO3, रिएक्शन कर लीजिए पोटेशियम के साथ KNO3 प्लस H2। तो तीनों रिएक्शंस में कॉमन चीज क्या देख रहे हैं? कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मैटर्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में की है। क्लियरिटी आ गई। अब दूसरी जो है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। अभी मेटल के साथ किए तो पहले हम मेटल ऑक्साइड के साथ कर लेते हैं। ये एसिड्स हैं, इनके ऑक्साइड ले लो, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? ZnO, MgO, इसका K2O, ठीक है ना? पहले हमने सीधी मेटल के साथ की, अब मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो ZnCl2 प्लस वाटर बन गया। बिल्कुल वही रिएक्शन आ रही है जो न्यूट्रलाइजेशन में होती है। यहाँ पे भी क्या बन गया है चिल्ड्रन? MgSO4 प्लस H2O, इधर KNO3 प्लस H2O। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है बिल्कुल बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनको हम इसीलिए हम इनको बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्लियरिटी आगे हो गया। आई थिंक थर्ड आती है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद, आप एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। कार्बोनेट यहां पे फॉर्मूला ले लीजिए आपने, उसमें मैंने करवाई है कैल्शियम कार्बोनेट,
इसकी जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे तो आपका सॉल्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड सीओ टू। अब H2SO4 की मैं बाइकार्बोनेट के साथ करवा देती हूँ। बाइकार्बोनेट क्या है हमारे पास? NaHCO3, राइट। फॉर्मूला क्या बन के आएगा? बन गया आपके पास सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। एंड थर्ड आप ले लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। दिस गेव MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। तो आपने तीनों में क्या देखा, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां से ये बात याद रखनी है कि जब हम एसिड्स की कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। जब हम मेटल्स के साथ करवाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। और जब मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। और अगर बेस के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं तो इससे आप फैमिलियर हैं ही हैं, रिएक्शन विद बेसिस। बेस ले लीजिए KOH, NaOH, MgOH, होल्ड वाइज। इनके साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? KCl प्लस H2O, इधर Na2SO4 प्लस H2O, नेक्स्ट आ गया MgNO3 होल्ड वाइज प्लस H2O। यानी व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी है जैसे आपने इनके मेटालिक ऑक्साइड के साथ की थी। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन कंसिडर होएगी एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो ये आपने चार इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। सेम ऐसे ही आपने बेसिस की लेनी है केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले किसके साथ करवाएं हम? बेस ले लीजिए आप। अब मैं दो दो के एग्जाम्पल बताऊंगी, फिर आप आगे के आप खुद करेंगे। सबसे पहले हमने किसके साथ की थी? रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे? बेसिस की, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, रिएक्शन विद मेटल। अब चूंकि चिल्ड्रन आपने बेस लिया NaOH, NaOH ले लिया और MgOH होल्ड वाइज ले लिया, आप इनकी मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सपोज कीजिए आप इसकी पोटेशियम के साथ करवाना चाह रहे हैं, इसकी आप एल्यूमिनियम के साथ करवा रहे हैं, देन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। नो रिएक्शन, यहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो आपस में इनकी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन सिर्फ दो मेटल हमारे पास ऐसी हैं कि वो बेस के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, जैसे एसिड मेटल्स के साथ करती हैं। तो वो दो मेटल कौन सी हैं चिल्ड्रन? दीज टू मेटल्स आर जिंक एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, मैं NaOH के साथ ही कराऊंगी, वो भी सिर्फ NaOH के साथ करती हैं दोनों, NaOH। इसकी आप जिंक के साथ करवाइए तो यहां पे बनेगा हमारे पास सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और अगर हम एल्यूमिनियम की इसके साथ करवाते हैं तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2। यानी दो मेटल हमारे पास ऐसी हैं जो बेसिस के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। और ये बना सोडियम जिंकेट और नीचे वाला जो कंपाउंड बना है दिस इज द सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। आगे चलिए, अब पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी मेटल्स की। दूसरे नंबर पे हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी? एसिड्स की मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो अब हम इनकी जो बेसिस है इनकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एसिडिक ऑक्साइड के साथ, रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या लोगे आप? आप ले लीजिए CO2, दिस गेव Na2CO3 प्लस H2O, सॉल्ट बना लिया। इसके आप ले लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बन जाएगा Na2SO4। बैलेंसिंग आप खुद करके देखेंगे। यानी कि जैसे एसिड्स बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक वैसे ही बेसिस
एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब तीसरी जो आएगी इसमें रिएक्शन विद एसिड्स, जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, वो दोनों के लिए सेम होगी। एंड फोर्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ बेसिस रिएक्शन नहीं करते। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है आई थिंक। अब नेक्स्ट में हम सॉल्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।